कि तुम मेरे पास। तरस जाओगे दोस्ती प्यार मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। माँ को हर हाल में सदा तुम खुश रखना, क्योंकि माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। गुरु कैसे दोनों ने गाया, तुम मेरे को तरस जाओगे, और तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओ। क्या बात है गुरु, आराम से बैठो भाई साहब, गाना सुनो। सुनेगा राखी जी, गीत में कोई विशेष बात नहीं है, मैं कुछ बात जरूर आपको मिलेगी। आजकल पैसे का बहुत बड़ा महत्व है, बिल्कुल। अगर पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं है, मगर मैं अपने गीत में दोनों बातें ला रहा हूँ। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। हाँ, अब पैसे से क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, राखी जी बस ये मैं अपने गीत में दिखाना चाहता हूँ। पैसे से ये मिल सकता है, पैसे से ये नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, पैसे का कहाँ महत्व है, कहाँ पर नहीं है। देखिएगा, ऐसे कहे थाने में थानेदार पहले पैसा दो, फिर जमानत का करो विचार, पहले पैसा दो अदालत की कहे दीवार, पहले पैसा दो और वरना तुम पे पड़ेगी मार, पहले पैसा दो और टपट कर बोला पेशकार, पहले पैसा दो तो मिले में सरकार, पहले मिले के बाद में सरकार, पहले पैसा दो। राखी जी, आज इंसान की नजर में कट गया पैसा, आज इंसान की नजर में कट गया पैसा, सारे बाजार वो सड़कों पे लड़ और पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते इतना पड़ गया पैसा कि आज भगवान पर भी देखो चढ़ गया पैसा, आज भगवान पर भी देखो चढ़ गया पैसा, आज भगवान पर भी देखो चढ़ गया पैसा। लोग नौटंकी देखने जाते हैं तो पंसौआ लुटाते हैं, मगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो फुटकर पैसा ढूंढते हैं। फुटकर हो तो भगवान पे चढ़ा दें। ना हजारों मरते हैं बेकार बिना पैसे के, नहीं मिलता है रोजगार बिना पैसे के, अरे कोई कैसे करे व्यापार बिना पैसे के, जिंदा रहना हुआ दुश्वार बिना पैसे के, हजारों मरते हैं
बीमार बिना पैसे के, डॉक्टर का नहीं दीदार बिना पैसे के। आदमी जब हो जाता लाचार बिना पैसे के, वही बन जाता है खूंखार बिना पैसे। क्या बात है गुरु, धन्यवाद है। कहना है विद्या दिलाने जाइए तो दीजिए पैसे, दर्शन को पाने जाइए तो दीजिए पैसा, और राखी बंधाने जाइए, राखी जी राखी बंधाने जाइए तो दीजिए पैसा, भैया जी रूठी मनाने जाइए तो दीजिए पैसा, रूठी मनाने जाइए तो दीजिए पैसा, और कीर्तन कराने जाइए तो दीजिए पैसा, और चौकी या थाने जाइए तो दीजिए पैसा, और शादी रचाने जाइए तो दीजिए पैसा, और मुर्दा जलाने जाइए तो दीजिए पैसा, जलाने जाइए तो दीजिए पैसा, मुर्दा जलाने जाइए तो दीजिए पैसा, पिंडा बनाने जाइए तो दीजिए पैसा, फूला बहाने जाइए तो दीजिए पैसा, हर जगह पैसे का महत्व है, लेकिन मेरा किस रो रहा है राखी कैसे? अब गाना सुनिए भाई साहब, किस रो रहा है, कहना है क्या? धन से आन बान झूठी, किस रो रहा है? धन से आन बान झूठी, शान तो पा जाओगे, धन से पैसे से, धन से आन बान झूठी, शान तो पा जाओगे, धन से बिकने वाला इंसान तो पा जाओगे, जिसने ईमान को बेच दिया है वो बिक सकता है इंसान, धन से बिकने वाला इंसान तो पा जाओगे, के बिकाबू हर एक सामान तो पा जाओगे, जो बिकने वाला है वही बिक सकता है, बिकाबू हर एक सामान तो पा जाओगे, और कुछ समस्या समस्या का समाधान पा सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान पैसा नहीं है, नहीं है राखी जी, बस मैं यही कहना चाहता हूं, कुछ समस्या का समाधान तो पा जाओगे, लेकिन हर समस्या का हर समस्या का समाधान कहां समस्या का समाधान कहां पाओगे, और बिना भक्ति के तुम भगवान कहां पाओगे, बिना भक्ति के तुम भगवान कहां पाओगे, बिना भक्ति के तुम भगवान कहां पाओगे। अगली बात राखी जी, धन से हो मान पर सम्मान नहीं पाओगे, धन से मान माने घमंड भी होता है, धन ज्यादा हो गया आदमी के अंदर घमंड आ गया, धन से मान तो हो सकता मगर सम्मान नहीं मिल सकता, कर भी पूजा अच्छे कर्म करोगे सम्मान मिलेगा, धन से हो मान पर सम्मान नहीं पाओगे, धन से शिशु मिलते किसी का बच्चा खरीद सकते हो अस्पताल से, धन से शिशु मिलते पर संतान नहीं पाओगे, जल्दी करो भाई साहब, धन से शिशु बच्चा तो खरीद सकते हो मगर अपनी संतान जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी मिलेगा, धन से धरती मिल
धरती मिले आसमान नहीं पाओगे, और धन से दीपक मिले, धन से दीपक मिल सकता है लेकिन सूरज को नहीं खरीद सकते, धन से दीपक मिले दिन मान नहीं पाओगे। लेकिन मेरा कहना राखी जी, धन से औषधि मिले, क्या बात है, धन से औषधि मतलब दवा मिल सकती है, धन से औषधि मिले पर प्राण कहाँ पाओगे। क्या बात है, धन से औषधि मिले पर प्राण कहाँ पाओगे, धन से औषधि मिले पर प्राण कहाँ पाओगे, धन से औषधि मिले पर प्राण कहाँ पाओगे। राखी जी अंतिम बात सुनेगा, अंतिम और आखिरी बात, धन से संजय भैया कहना, धन से रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, धन से रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, धन से भगवान की प्रतिमा महान मिल जाए, धन से भगवान की मूर्ति खरीद सकते हो, चाहे पीतल की, चाहे सोने की, चाहे चांदी की, चाहे पत्थर की, चाहे मिट्टी की, धन से भगवान की प्रतिमा महान मिल जाए, धन से जो चाहो पुस्तक श्रीमान मिल जाए, धन से जो चाहो पुस्तक खरीद सकते हो, धन से जो चाहो पुस्तक श्रीमान मिल जाए, जैसे बाइबिल गुरु ग्रंथ गीता कुरान मिल जाए। क्या बात, लेकिन बाइबिल गुरु ग्रंथ गीता कुरान मिल जाए, लेकिन लेकिन मेरा कहना कि बिना गुरुवर के और बिना गुरुवर के रमन ज्ञान कहाँ पाओगे। पुस्तक तो खरीद सकते हो मगर ज्ञान नहीं मिल सकता बिना गुरु के, बिन गुरु भाव निधि तरह ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, बिना गुरु के रमन ज्ञान कहाँ पाओगे, तपस्या के बिना वरदान कहाँ पाओगे, भजन के बिन स्वर्ग सोपान कहाँ पाओगे, और कहना साधना बिन सुरीली तान कहाँ पाओगे, साधना बिन सुरीली तान कहाँ पाओगे, साधना बिन सुरीली तान कहाँ पाओगे, साधना बिन
पढ़ रहे थे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और आपने कहा क्या बेटा, माँ बाप को हर हाल में खुश रहने की आदत डालो, माँ बाप को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, अगर माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। लेकिन मैं कह रही हूँ श्रीमान जी, क्या सुनिए, मैं कह रही हूँ कि नजर नजर के तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये एक न एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। क्या बात है बेटा, वाह धन्यवाद है, बिल्कुल ये शेर का जवाब शेर से होगा। तो आइए मैं कोशिश कर रही हूँ, क्या जरा सुने आप, सुनिए। कहा गया क्या, धन से रिश्ते बनते, पैसों से सुनिएगा जानकी जी, सुनिए, धन से रिश्ते बनते और बिगड़ते पाओगे, इसी पैसे से रिश्ते बन भी जाते हैं और इसी पैसे के कारण बड़े बड़े रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं, सिर्फ इसी पैसे के पीछे। कैसे कैसे, कैसे? धन से रिश्ते बनते बिगड़ते पाओगे और इसी धन से, दुश्मन भी पाओगे, दुश्मन भी पाओगे, दुश्मन भी पाओगे। लेकिन मैं कह रही हूं क्या, क्या माना की धन तुझको, और भैया जी इन लाइनों को जरा समझिएगा, मैं कह रही हूं क्या, क्या माना कि धन तुझको तो ऊपर ले जाएगा, जब ज्यादा रुपया कमा लेता इंसान सोचता है कि मैं बहुत ऊपर तक पहुंच गया, मैंने वो बुलंदी हासिल कर ली, मैंने वो मुकाम छू लिया, और ये सत्य है कि रुपया आपको ऊपर तक तो ले जाएगा, लेकिन ठीक इसके उल्टा देखें आप, माना धन तुझको तो ऊपर ले जाएगा, लेकिन साथ में ये पैसा नहीं जाएगा, ये पैसा तुझे तो ऊपर पहुंचा देगा लेकिन पैसे को तू अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता है। ये इस लाइन को समझिए जरा, तो मैं कह रही हूं क्या, साथी मिलने पर, साथी तो तमाम मिल जाएंगे, अरे साथी मिलने पर इंसान कहां पाओगे। क्या बात बेटे, वाह, यही पैसा इंसान को हैवान भी बना देता है, तो साथी तो पाओगे लेकिन इंसान कहां पाओगे। और एक लाइन और सुनिएगा, सुनिए, साथी मिलते पर इंसान कहां पाओगे, और केवल भक्ति के बिना नहीं, अरे आस्था के बिना भगवान कहां पाओगे, आस्था के बिना भगवान, yeah।
सच्ची आस्था नहीं है, और अगर आस्था नहीं है तो बिना आस्था के भक्ति भी नहीं हो सकती है। जब बिना आस्था के भक्ति नहीं होगी तो फिर भगवान भी नहीं होंगे। इसलिए आस्था के बिना भगवान कहां पाओगे, आस्था के बिना भगवान कहां पाओगे, आस्था के बिना भगवान कहां पाओगे, आस्था के बिना भगवान कहां पाओगे। और सुनिएगा, सुनिए एक बात और, क्या से बिस्तर मिले, अच्छे अच्छे मखमल के बिस्तर तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन लेकिन अरे पैसों से बिस्तर मिले पर नींद नहीं मिलती है। बात बड़ी, वाह, चैन की सुकून की नींद पैसे से नहीं मिलती है। जो फुटपाथ पे नींद आती है वो बिस्तर पे नींद नहीं आती है। भैया जरा नाम इधर बता दो अपना। नाम कोई नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, जब आधार कार्ड बन जाए तब बता। तो कहा गया क्या? अरे पैसों से बिस्तर मिले पर नींद नहीं मिलती है। और एक बात और सत्य है, क्या? पैसों से नारी मिले, पैसों से नारी मिले धर्म पत्नी नहीं मिलती है। क्या बात है, वाह, इस बात को सोच लेना भाई साहब। सिर्फ पैसे की बात हो रही है, सुने आप? तो कहा गया क्या, पैसा दीजिए भैया, इधर लिखवा दो आप जरा। चलो ठीक है, छुट्टे रख के ज्यादा छुट्टा पैसा मत दो, ओराई में चलते नहीं। नहीं नहीं, सही बात है, ये सिक्के हमारे यहाँ नहीं चलते। हाँ, ये सब हम ही लोग ले जाएंगे, अब सब हमको यहीं के यहीं वापस करने पड़ते हैं। तो ये सुनिएगा लाइनों को, भगवान रूठ गया और उस भगवान ने अगर हमसे हमारी जन्म देने वाली मां को छीन लिया, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी मां आ गई, देखा कि अच्छा बैंक बैलेंस है, चलो जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन एक बात मैं कह रही हूं, जरा सुने उसको आप। माँ तो आ जाएगी लेकिन जो पहले वाली माँ की ममता थी वो नहीं मिलेगी आपको। सुने आप, पैसों से माँ मिलती पर ममता नहीं मिलती है। एक बात और, मिले सुंदरता, पैसे से आप सुंदर बनने के अच्छे अच्छे सामान खरीद लोगे, फेयर एंड लवली, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर खरीद लोगे, लेकिन नहीं मिलती है। उस पैसे से आप जवानी नहीं खरीद सकते हो, इसलिए कह रही हूं कि आप धन से उपचार पर, अरे धन से